शिवपुरी में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दो दिन के शिवपुरी दौरे पर रहे। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दो दिन के शिवपुरी दौरे पर रहे। यहां कल शाम को मंत्री शिवपुरी पहुंचे, जिसके बाद आज मंत्री ने कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली। इसके बाद जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर पीएस होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। देखिए क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। शिवपुरी आने का और आज मैंने योजना समिति की मीटिंग भी ली और जो महत्वपूर्ण हमारे विभाग थे उनकी समीक्षा भी की। तत्पश्चात कोविड की भी समीक्षा मीटिंग की, जिला चिकित्सालय में भी गया और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था भी देखी। शिवपुरी निश्चित रूप से जहाँ तक चिकित्सा का क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं उनसे बहुत सर्वोच्च स्थिति में है। यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ का मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हमारे नेतृत्व ने कराई है। मैं आप सबके माँ को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप सबने भी कोरोना की इस महामारी में जिस पूर्णता के त्याग के साथ, तपस्या के साथ आप सबने प्रशासन का और हम सब का साथ दिया और इस महामारी से लड़ने में हमने कामयाबी हासिल की, उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे मेडिकल कॉलेज और हमारा जिला चिकित्सालय, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आदरणीय श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विशेष कृपा से ये दोनों चीज़ें आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारी शिवपुरी की विधायक, हमारी सम्मानीय श्रद्धेय राजे साहब जो हमारी मंत्री भी हैं कैबिनेट की, निरंतर प्रयास करती रहती हैं कैबिनेट में कि शिवपुरी में किस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रोग्रेस की जाए। कुछ जो जरूरी चीज़ें थी जो मेरे संज्ञान में आई थी, मड़ीखेड़ा का जो प्रोजेक्ट है और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको सीवर के प्रोजेक्ट है, उस पर भी मैंने आज प्रारंभिक रूप से जिलाधीश महोदय और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। और मैं आपको इस बात के लिए, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राजे साहब निरंतर कैबिनेट की मीटिंग में मड़ीखेड़ा और सीवेज के मैटर को लेकर काफ़ी प्रयासरत रहती हैं और बार बार उसका DPR को बदलवा कर अगर किसी चीज़ की भी कमी पड़ती है तो उसके लिए वो संघर्ष करती हैं।